बच्चों, हमने पिछली कक्षा में विजयनगर एक साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर लिए हैं और ये आप लोग को लिखना है, कॉपी में ज़रूर नोट करनी है। जैसे विजयनगर की जल आवश्यकताओं किस प्रकार को पूरा किया जाता था, तो हमने तुम लोग को बताया था उसमें कि बांध द्वारा, हौज द्वारा और साथ ही साथ नहर के माध्यम से बांध बनाकर, छोटे छोटे बांध बनाकर इनको सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय संबंधी नगरवासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। फिर शहर के किलेबंद में कृषि क्षेत्र में रखने और उनके विचार के क्या फ़ायदे और नुकसान थे, मतलब किलेबंद जब थे तो कृषि क्षेत्र में रखने पर क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे। तो सबसे पहले है कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह एक विशाल था और सुदृढ़ किलेबंदी थी। किलेबंदी मतलब शहर को पूरा बाउंड्री तुम लोग देखते होगे, कई पुराने किले देखने जाते होगे तो ऊंची ऊंची दीवारें आजू बाजू देखने को मिलती हैं, उसको किलेबंदी कहते हैं। किलेबंदी भी कई स्तर में होती थी, जैसे किलेबंदी के बीच में खेती होती थी, उसके बाद फिर किलेबंदी की एक दीवार होती थी, इस तरह से होता था। ये कृषि कार्य में जो प्रयोग किए जाने वाले आसपास के क्षेत्र को जंगलों को घेरा गया था और जिसमें अब्दुल रज्जाक के विवरण में किलेबंद कृषि क्षेत्र की पुष्टि होती है। अब इसके लाभ क्या हैं? मध्यकाल में जो विजय प्राप्ति में घेराबंदियों का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष की खाद्य सामग्री से वंचित कर देना होता था, ताकि उसको विवश होकर आत्मसमर्पण करना पड़े। फिर उसके बाद है, इसके घेराबंदी के लंबे समय तक चलने की स्थिति में जनता की भुखमरी से भी बचाया जा सकता था। मतलब जो किलेबंदी होती थी, घेराबंदी होती थी, उसके माध्यम से अपनी जनता को, अपनी प्रजा को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, उनको भुखमरी से बचाया जा सके, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके, ताकि जो आक्रमणकारी हैं उन्हें भी वो चीज़ प्राप्त ना हो सके लेकिन हमारे राज्य की जो प्रजा है उसको प्राप्त हो सके। फिर खेती में बड़ी फसलों के द्वारा किए जाने वाले विनाश से बचा सकता था और किलेबंदी से ही खाद्यान्न आपूर्ति के संकट से भी पड़ जाती थी, लेकिन उसके बाद में खींचना बहुत ही कठिन हो जाता था। फिर है हानियाँ, किलेबंदी से क्या हानियाँ हैं? इससे होता था कि उस क्षेत्र की जो व्यवस्था होती वह महंगी हो जाती थी, ज़्यादा धनराशि व्यय करनी पड़ती थी, घेराबंदी की स्थिति बाहर रहने वाले किसानों को खेतों में काम करना कठिन हो जाता था और साथ ही साथ आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि जो है बाहर के बाजारों से लाना प्रायः कठिन हो जाता था, क्योंकि शत्रु जो है किलेबंद क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था और खेतों में बड़ी बड़ी फसल के विनाश का शिकार बन जाती थी। मतलब जब शत्रु प्रवेश करता था तो वह खड़ी फसल को भी नष्ट कर देता था। फिर है, आपके विचार से महानवमी डिब्बा के संबंध में अनुष्ठानों का क्या महत्व है? अब महानवमी डिब्बा के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि एक तरह का अनुष्ठान किया जाने वाला था, जिसमें कि हिंदू जो त्यौहार था और 10 दिन के मनाया जाता है, जिसमें दशहरा बंगाल में पूजा और प्रायद्वीप महानवमी की निष्पादित किए जाते हैं। विजयनगर के शासक में रुतबे, ताकत और सत्ता की शक्ति को भी प्रदर्शन करते थे, जिसमें मूर्ति पूजा है, अश्व पूजा के साथ साथ भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि भी उस समय दी जाती थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा, हाथियों, रथों, सैनिकों की शोभा यात्राएँ भी निकाली जाती थी, जिससे कि लोग उस अनुष्ठान जप करते थे। फिर है, शाही केंद्र शब्द शहर के किस भाग के लिए प्रयोग किया गया है? यह भी मैंने आप लोग को पिछली कक्षा में बताया था। विशाल जो समृद्ध किलेबंदी विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे आप लोग पूरा देखेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। जैसे कि सब बाहरी दीवार द्वारा शहर को चारों ओर पहाड़ियों के परस्पर जोड़ दिया था, नगरीय केंद्र आंतरिक भाग चारों ओर से घिरा हुआ था, किलेबंदी से शासकीय केंद्र, शाही केंद्र चारों ओर की गई थी, सारी संरचनाओं में मंदिरों के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि मंदिरों का निर्माण पूर्ण रूप से ईंट पत्थरों से किया गया था, किंतु धर्मेंद्र भवनों का निर्माण जो है विकारी वस्तुओं से किया गया था। फिर उसी तरह से महानवमी डिब्बा का, जिसके बारे में अभी आप लोग को बताया। फिर शाही केंद्र शब्द का औचित्य, शाही केंद्र शब्द क्या है? जो भी विशाल संख्या में मंदिर मिले हैं उन्हें संभवतः शाही केंद्र का नाम देना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यदि एक निष्पक्षतापूर्ण तथ्यों के अध्ययन करते हैं तो भली भांति यह स्पष्ट हो जाता है। फिर है, विजयनगर के शासक इन स्थलों को प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध में भी मानते थे, जैसे कि उन लोगों ने यह भी प्रयास किया कि मंदिरों, संप्रदायों, संरक्षण प्रदान करके प्रशासकीय नीति महत्वपूर्ण अंग को बनाया जा सके। फिर है, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों की स्थापना हमें उनके बनवाने और शासकों के विषय में क्या बताते हैं?
जिस तरह से कमल महल का भी हमने आपको बताया था कि विजयनगर में लगभग कई शासकों की स्थापत्य कला की विशेष रुचि थी, उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की कला शैलियों का उपयोग किया था, कमल महल भी बनाए थे, हाथियों के लिए अस्तबल भी बनाए गए थे, मतलब जो हमारे पास घोड़े हाथी ये सारे जानवर जो हुआ करते थे उनके लिए भी रहने के जगह बनाए जाते थे, और जो महल होते थे सुंदर आवास उपवन झीलें आदि भी हुआ करती थी। लोटस महल अथवा कमल महल, हाथियों का अस्तबल, इसी प्रकार की दो महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं जिनका नामकरण भी इस महल की सुंदरता और भव्यता से प्रभावित होकर अंग्रेजों यात्रियों द्वारा दिया गया है। संभवतः एक परिषद भवन भी है जहाँ पर राजा अपने विचार परामर्शदाताओं द्वारा विचार विमर्श के लिए भी इकट्ठे हुआ करते थे। हाथी का विशाल फील खाना भी है जहाँ हाथियों का अस्तबल था अथवा रहने का स्थान था, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को पहले बताया है। फिर स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया और उन्हें परंपराओं में किस प्रकार बदलाए, मतलब जो बदला वह किए गए, बदलाव आए उसमें, अथवा किन्हीं दो स्थापत्य परंपराओं को उल्लेख कीजिए जिन्हें विजयनगर की वास्तुविदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं के मंदिर स्थापत्य के किस प्रकार के प्रयोग स्पष्ट किए। जैसे कि हमने अभी आप देखे, इसके पहले भी हमने देखा, क्योंकि जो वहाँ विजयनगर के जो शासक थे ज़्यादातर स्थापत्य कला में विशेष रुचि थी और उन्होंने विजयनगर में विजय का शहर कहा जाता था और यह राज्य के दोनों के लिए एक प्रयुक्त नाम भी था। विजयनगर के निकट ही नगरपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की गई थी जहाँ पर अनेक भवन थे, मंदिर थे जिनका निर्माण कराया गया था और जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में धर्म और धार्मिक वर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही साथ राजा स्वयं को देवता विशेष के प्रतिनिधि मानते थे और स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों का निर्माण भी वे करते थे। मतलब राजा जो होता था स्वयं को देवता का प्रतिनिधि, मतलब उनने जो कह दिया वह और एक पत्थर की लकीर होती थी या उनकी आज्ञा का पालन करना जनता के लिए आवश्यक हो जाता था। इसी तरह से कई जगह जो तीन प्रमुख शैलियाँ भी हुई जिसमें नागर शैली थी, द्रविड़ शैली थी, वेसर शैली थी, ये भी उस समय प्रचलन में आए थे। ये सब जो शैलियाँ जो हैं मंदिरों में, नागर शैली जो है उत्तरी में, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। फिर स्थापत्य कला के प्रचलित जो सभी परंपराएं जो हैं विजयनगर में वस्तुविदों में प्रभावित किया है और ये सारी चीज़ें जो है हमें जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। फिर है गौपुरम, बहुत दूर से ही मंदिर होने का संकेत देता है, मतलब ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, इसकी ऊँचाई और भव्यता केंद्रीय देवालयों की दीवारें प्रायः बौनी सी प्रतीत होती, मतलब इसका मंडप इतना ऊँचा है कि जो लंबे लंबे स्तंभों गलियारों द्वारा इसको बनाए गए, जिसका निरूपाक्ष प्राचीन मंदिर गोपुरम मंडप जैसी अनेक संरचनाओं को जोड़कर और उसके आकार अधिक बढ़ा दिया गया, जिसमें कृष्णदेवराय ने अपने राज्याभिषेक उपलब्ध मुख्य मंदिर के सामने एक बड़ा मंडप का निर्माण कराया था, जिसमें मंडप को बहुत सुंदर उत्कीर्ण चित्रों के माध्यम से स्तंभों को उन्हें सुसज्जित किया था। साथ ही साथ इन सभागारों में संगीत, नृत्य और नाटकों के भी विशेष कार्यक्रम होते थे, देवताओं की मूर्तियां भी रखी जाती थी और देवी देवताओं के विवाह समारोह का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता, मतलब जो मंदिर बनाया गया था उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, लोग अपना कार्यक्रम भी कर सकते थे, देवी देवताओं का पूजा भी कर सकते थे, विवाह समारोह भी कर सकते थे, मतलब इस तरह से पूरा विशेष व्यवस्था थी। स्थापत्य कला की शैली में इस्लामिक कला और साथ ही साथ स्थानीय स्थापत्य परंपराओं के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप भी इंडो इस्लामिक कला शैली के भी इसको नाम दिया गया, जिसमें मकबरों और मस्जिद में भी स्थापत्य कला शैली में हम्पी के उपलब्ध मंदिर, जैसे कि मस्जिद जो है, मंदिर और मस्जिद का जो है एक मिला जुला एक कला है जिसको ये स्थापत्य कला शैली, जिसको कि अभी हमने बताया आपको इस्लामिक कला शैली भी उसको कहा गया है। फिर अध्याय के विभिन्न विवरणों के आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की छवि क्या पाते हैं, मतलब क्या छवि है उनकी, वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे विजयनगर की यात्रा जब हुई उस समय सामान्य लोग जो थे उनके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती, जितने भी विदेशी आए उन्होंने अपने हिसाब से उनके बारे में लिखा। फिर जैसे समाज में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था जिसमें ब्राह्मण का स्थान श्रेष्ठ हुआ करता था, सैनिक असैनिक सेवाओं में उच्च पद प्रदान किए गए थे, अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, ब्राह्मण जिन स्थानों पर रहते थे वहाँ पर भूमि पर भी नियंत्रण था और भूमि पर ही आश्रित लोग उनके नियंत्रण में रहते थे, पुजारी वर्ग के हैसियत से इनकी प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से अभिलेख हैं जिसमें सेट्टी चेट्टी नामक एक समूह उल्लेख भी मिलता है, जहाँ पर
कुछ व्यापारी वर्ग भी रहते थे जो अत्यधिक धनी और संपन्न भी होते थे। दास प्रथा का भी उस समय प्रचलन था। दास दासियों का क्रय विक्रय भी हुआ करता था और सामान्य लोग जो होते थे ये छप्पड़ वाले कच्चे घरों में रहते थे। मतलब उस समय जो था दास प्रथा थी, दास दासियाँ स्वाभाविक दास दासियों का विक्रय होता था और वो सामान्य लोग कच्चे घर में रहा करते थे। इस तरह से विजयनगर में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के लोग यहाँ पर रहते थे, जिसमें सर्व वर्ग धर्म सहिष्णु भी थे, जो कि किसी भेदभाव या सभी मंदिरों का अनुदान उनको प्राप्त होता था। और जनसंख्या जो थी, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो थी हिंदू धर्म की अनुयायी थी। फिर यहाँ पर जो है बौद्ध, जैन, मुसलमान एवं ईसाई भी पर्याप्त मात्रा में थे, जो विजयनगर के सभी शासकों के धर्मों के अनुयायी के प्रति सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया। मतलब यहाँ पर सर्वधर्म संभाव, जैसा कि अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं कि हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान भी किया जाता था। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में भी स्त्रियाँ भाग लेती थी और स्त्रियों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया करता था। उस समय उच्च कोटि की जो शिक्षा थी वो स्त्रियों को भी प्राप्त हो किया जाता था और स्त्रियाँ संगीत, नृत्य, अन्य ललित कलाओं में भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक पारंगत हुआ करती थी। उस समय बहुविवाह भी प्रचलित था, बाल विवाह भी प्रचलित था। ये सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में आप लोग को समझा चुके हैं। यहाँ के लोग कताई बुनाई भी करते थे, लोहे का अस्त्र बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे भी उस समय चलते थे और तटवर्ती इलाकों में नमक और मोती निकालने के कार्य भी हुआ करते थे। यहाँ पर हीरे के खाने भी विश्व में बड़ी थी और अनेक बाजार में हुआ करते थे। इसको जो है आपको ये भी जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आवश्यक है। आप लोग के पास अभी बुक में निशान लगाने में आसानी नहीं हो रही, इसलिए मैंने इस बार प्रश्न उत्तर उठाकर भेजे हैं। आगे के चैप्टरों के भी ज़्यादा होगा तो ऐसे ही प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे।